हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे, लाइव फेस को कैसे दिखाएंगे और लाइव कैसे बात करेंगे अपने व्यूवर से। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आना चाहते हैं बट उन्हें यह नहीं पता होता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप आसानी से अपने फेस को लाइव कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी ऑडियंस से बात कर सकते हैं। मेरा नाम है सौदागर और आप देख रहे हैं टेक्निकल सौदागर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको सिंपली अपने फोन की यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने में यूट्यूब खोल करके ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे में जो प्लस वाले आइकन दिखाए जा रहे हैं इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, आपको सिंपली गो लाइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना सा कर देने के बाद गाइस अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग क्या करना चाहते हो, अपना फेस दिखाना चाहते हो या मोबाइल की स्क्रीन को लाइव करना चाहते हो। तो आप वहाँ पे ये डिसाइड कर लोगे। अगर मोबाइल की स्क्रीन को लाइव करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे जो मोबाइल का आइकन दिखाया जा रहा है ऊपर में, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन जो है कि लाइव होगा, गेम प्ले कर सकते हो जो कि आपके व्यूवर्स देख सकते हैं। बट गाइस अगर आप वहाँ पे अपने फेस को लाइव करना चाहते हो, आप लाइव बात करना चाहते हो ऑडियंस से, उसके ऊपर क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली इसके कैमरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपने चैनल का जो नाम दिखाया जा रहा है टेक्निकल सौदागर मेरा चैनल का नाम है, तो आप यहाँ पे जो भी टाइटल रखना चाहते हो वो टाइटल को आप यहाँ पे रख लोगे। जैसे मैं यहाँ पे चैनल का नाम रख चुका हूँ लाइव चैनल चेकिंग, यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है कि चैनल को चेक करने के लिए आते हैं, व्यूवर से बात करने के लिए आते हैं, उनके कमेंट का जवाब देने के लिए आते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लाइव चैनल चेकिंग का टाइटल रख दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर आ रहा है पब्लिक का। बट गाइस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे इसे अनलिस्टेड कर देता हूँ ताकि YouTube पर वीडियो अपलोड ना हो जाए। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नॉट सिलेक्ट, यानी कि ऑडियंस के बारे में पूछा जा रहा है कि आप बच्चे के जानकारी के लिए बता रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है कि यस इट्स मेड फॉर काइट्स। अगर आप बच्चे के लिए बता रहे हो, बच्चे यूट्यूब पर आएंगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग है, तो यहाँ पे यस इट्स मेड फॉर काइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो इट्स नॉट मेड फॉर काइट्स कि इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ रहा है नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू ओवर 18, यानी कि अगर आपका वीडियो ऐसा है जो कि 18 साल से कम के बच्चे नहीं देख सकते हैं तो आपको वहाँ पे इसे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स 18, कोई भी वीडियो देख सकता है आपके वीडियो, तो किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो आपको यहाँ पे नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो व्यूवर्स 18 इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मोर ऑप्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा कर देने के बाद गाइस आपके सामने में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने को कहा जा रहा है, तो आपको वहाँ पे एड डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन आप अपने यूट्यूब वीडियो में लगाते हो वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो, अन्यथा आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे में एडवांस सेटिंग का बटन दिखाया जा रहा होगा, तो आपको सिंपली एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप लाइव चैट करना चाहते हो या नहीं, ऑडियंस आपसे चैट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप चैट को चालू करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल आउट चैट के ऊपर ग्रीन रहेगा, इसके ऑन ही रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चैट को बंद करना चाहते हो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जाहिर सी बात है आप लाइव करोगे तो आपको वहाँ पे ऑडियंस आपके कुछ सवाल पूछेंगे ही, तो आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। अब बात करते हैं कि गाइस आपका चैनल मोनिटाइज है या नहीं है। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज है तो आपको यहाँ पे सिंपली मोनिटाइजेशन को अनेबल कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अनेबल कर देते हो तो कोई भी बंदा आपके लाइव स्ट्रीम में जुड़ेगा, जुड़ने के बाद जो है कि उनको एड चलेगा तो आपको वहाँ पे वीडियो पे एड चलेगा, तो आपको वहाँ पे पैसे अर्निंग होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइस कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उस टाइम एड नहीं लगाते हैं, जब वीडियो पब्लिक हो जाता है उस टाइम वीडियो पे ऐड चलता है, इससे ज्यादा कमाई नहीं होती है। तो आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन को ऑन कर दोगे अगर आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो। उसके बाद गाइस बात क्या करते हैं, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन के ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वीडियो कंटेंट पेड प्रमोशन सच एस पेड प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप और इंटरेस्टमेंट, इससे ये पूछा जा रहा है कि आप अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या फिर स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो आपको सिंपली इसे अनेबल कर देना है। अगर आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग में स्पॉन्सरशिप के बारे में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हो तो आपको सिंपली इसे ऑफ ही रहने देना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ से बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा कर देने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी वेट करना होगा और यहाँ पे आपको थंबनेल लगाने
करने का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे थंबनेल लगा लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे थंबनेल एक पिक्चर डायरेक्ट खींच लिया जाएगा। अगर आप कोई थंबनेल बना करके रखते हो अपने पिक्सल लैब से या किसी भी एप्लीकेशन से, तो आपको यहाँ पे सिंपली पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है कि अपलोड थंबनेल के ऊपर क्लिक करके आप अपने थंबनेल को ऐड कर सकते हो। गाइस फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक थंबनेल को ऐड करके दिखा दिया हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, गो लाइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो लाइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे गाइस, आपका यहाँ पे यूट्यूब जो है कि एकदम आप यूट्यूब पर लाइव चले जाओगे। इतना सा कर देने के बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गो लाइव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपने मोबाइल को रोटेट करना चाहते हो इस तरीके से या फिर यहाँ पे इसी तरीके से रखना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रीम इन प्रोटेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है कि, तो दोस्तों इस तरीके से अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना है, अपने व्यूवर्स से बात करना है लाइव आकर के। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी तरह का कोई ना इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।